दोस्तों, हिजाब को लेकर एक बार फिर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, और जो कंट्रोवर्सी है वो बिहार के मुजफ्फरपुर में खड़ी हुई है, जहां पर कुछ छात्राओं को जो है कॉलेज से निकाल दिया गया और उन्हें एग्ज़ाम नहीं देने दिया क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा था। और छात्राओं का आरोप है कि उन्हें टीचर्स ने ऐसा बोला कि तुम पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा छात्राओं का आरोप है टीचरों पर। और जो टीचर का बयान है वो भी सामने आया कि उन्होंने क्या बोला है और क्या पूरा मैटर था। दोस्तों, ये हिजाब के लेकर कॉन्ट्रोवर्सी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, कभी ये मध्य प्रदेश में थी तो कभी कर्नाटक में, तो अब बिहार तक ये पहुँच गई है जहाँ पर एक सेकुलर सरकार है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं भारत ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार होता जा रहा है, जहाँ पर हमारे भारत देश की आलोचना जो है पूरे विदेश के अंदर हो रही है। दोस्तों, पूरी खबर क्या है हम आगे जानेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट हो रहा है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में हिजाब को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम चल रहे थे, तो वहाँ पर कुछ छात्राएं जो है हिजाब पहनकर कॉलेज जा रही थी, और जब उनका एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम के दौरान उनसे चेकिंग के लिए उनका हिजाब उतरवाया गया। तो छात्राओं ने अपना हिजाब चेक कराया ताकि कोई प्रतिबंधित चीज़ ना हो, ताकि एग्ज़ाम हॉल में कोई प्रतिबंधित चीज़ ना लेके जाए। तो उन्होंने सब कुछ चेक करा दिया, लेकिन उसके बाद भी टीचर्स ने उन्हें बोला कि आप हिजाब पहन के अंदर नहीं जा सकते, जिसका विरोध छात्राओं ने किया और उन्होंने मना कर दिया एग्ज़ाम देने के लिए। और टीचर्स ने ये कह के भगा दिया कि तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ, ऐसा छात्राओं का आरोप है टीचरों पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्ट्रोवर्सी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, कहीं ईरान है तो कभी कर्नाटक, कभी मध्य प्रदेश, तो अब बिहार के अंदर ही बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल हमारा भारत जो है इन कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हो गया है, और हमारे भारत की आलोचना जो है विदेशों के अंदर भी हो रही है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर इतनी नफरत फैल रही है कि विदेशों में हमारे भारत की छवि कितनी खराब हो रही है, मैंने पिछली वीडियो में इसको कवर किया है। और दिन पर दिन अल्पसंख्यकों पर हमले, नफरतें और तरह तरह की कॉन्ट्रोवर्सी पैदा हो रही है। तो खैर दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देता हूँ, तो आप सबसे पहले ये वीडियो देखें। लोग एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आगे बोलते हैं कि हिजाब खोलो तुम अपना, तुम ब्लूटूथ लगाइयो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है, उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। बोलते खाते कहीं और का हो, गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले, जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चे को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो, क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो, ये मतलब बहुत बुरा है। बोले कि अगर रवि भूषण सर हिजाब खोल के बैठोगी, हिजाब बांध के नहीं बैठ सकती, फेंको, कहाँ फेंके हम हिजाब? इतना लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, लेडीज बुलाओ आप चेक करो, लेकिन नहीं, वो कह रहे हिजाब हटा के फेंको। कहाँ फेंक दे हिजाब? धर्म के नाम पे हम फायदा उठाते हैं या वो लोग फायदा उठाते हैं? और हम लोग का पेपर भी छीन लिया और बोले जाओ तुम यहाँ पर से, एग्जाम नहीं दो। इंग्लिश कॉलेज के प्रिंसिपल से भी कि टीचर मजहब के नाम पे ऐसे करेंगे, वो धर्म बताएंगे, धर्म में फर्क बताएंगे, बहुत गलत है। जब टीचर ही ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट पे क्या असर पड़ेगा? वो भी तो ऐसे ही करेगा ना कि ये हिंदू है इससे बात नहीं करो, ये मुस्लिम इससे बात नहीं करो। हाँ, यहाँ हम लोग पढ़ने आने, मजहब का डिफरेंस करना नहीं, यहाँ पढ़ाई होता है, पॉलिटिक्स नहीं चल रहा है जो बताएंगे। लड़की एग्जाम में बैठी हुई थी, वो उसको जब कहा गया, एक कह सकते हैं कि एक बेसिक रूल के तहत उसको कहा गया कि तुम मोबाइल रखी हो कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां मोबाइल रखी हुई थी। इसी तरह से उस लड़की के बारे में भी जब कहा गया, उसके पास जब टीचर आए और बोले कि तुम भी दिखाओ, चूँकि उसने हिजाब पहना रखा हुआ था, कान उसके ढके हुए थे, बस यही कहा गया कि कान तुम खोल के दिखा दो कि ब्लूटूथ का यूज़ तो नहीं कर रही हो, जिस पर लड़की भड़क गई और बोली कि मैं कान नहीं दिखाऊंगी, और टीचर से वो जिरह करने लगी, और उसके बाद वो वहाँ से चली गई कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी लेकिन अपना कान भी खोल करके नहीं दिखाऊंगी। बाहर जाने के बाद में न जाने क्या उसने किसको फ़ोन किया, और मुझे भी ये जानकारी मिली कि काफ़ी उसके घर वाले आ गए हैं और बहुत सारे कुछ। दोस्तों, आपने वीडियो देखी, और दोस्तों इसके ऊपर आपकी क्या राय है, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। तो मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।